Good morning, students. Today we'll go for the next chapter of your entrance examination, that is called animal husbandry. Chota sa aur simple sa chapter hai, aur most of the concepts of the chapter are based on your general knowledge. मतलब इस chapter के अंदर dairy का concept दिया हुआ है, poultry है, बाद में आपका apiculture है, मतलब rearing of honey bees. Okay, उसमें क्या-क्या techniques इस्तेमाल होते हैं, क्या-क्या points आपको cover करने पड़ेंगे, sericulture, lac culture, और थोड़ा सा एक part दिया हुआ है regarding the animal breeding. तो एकदम सिंपल सा चैप्टर है. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्पेसिफिकली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं. मतलब जैसे अगर हम डेयरी के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ काउ के ब्रीड्स हैं, उनके इंडियन ब्रीड्स के नाम कौन से हैं, एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन से हैं, बाद में बफेलोस के कौन से ब्रीड पाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. या फिर अगर आप पोल्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो पोल्ट्री में कुछ अमेरिकन, कुछ मेडिटेरियन ब्रीड्स हैं, बाद में कुछ आपके इंडियन ब्रीड्स के नाम हैं, पोल्ट्री डिजीज के कुछ नाम दिए गए हैं. तो इस तरह के टाइप के ऊपर इसके क्वेश्चन आ सकते हैं. या फिर मान लो कि आपका लैक इंसेक्ट है तो उसका साइंटिफिक नाम क्या है. सेरिकल्चर में जो सिल्क वर्म यूज किए जाते हैं तो उसमें किस टाइप का सिल्क होता है, सिल्क वर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है. इतने अगर पॉइंट्स आप प्रॉपरली कवर कर लेते हो तो मोस्टली ये चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अगर हम एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे तो एमसीक्यूज की क्वांटिटी बहुत कम है. मतलब ज्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं है. मैक्सिमम आई कैन सी हियर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर समथिंग अराउंड 17 जो आपके क्लास वर्क में दिए गए हैं. होमवर्क में कुछ और 16-17 एमसीक्यूज है. तो आज के चैप्टर के लिए हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे. क्लास वर्क के जितने भी एमसीक्यूज है सारे के सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. बाकी होमवर्क का जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है. तो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट एमसीक्यू. जो पहला एमसीक्यू है अबाउट -% ऑफ मैन पावर इन रूरल इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमको पता है कि ये मैक्सिमम 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया का ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. लेकिन यहां पे 70 तो हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 80 के लिए हम नहीं जा सकते. ओके, सो आपका आंसर यहां पे होना चाहिए 60% पॉपुलेशन जो है या मैन पावर जो है रूरल इंडिया में वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. सेकेंड नंबर पे एमसीक्यू में रीड कर रहा हूं. इंडिया एंड चाइना हैव -% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन. नाउ बिफोर गोइंग टू दिस यू शुड नो द मीनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. बहुत सिंपल सा मीनिंग है. द एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर ह्यूमन बेनिफिट. डोमेस्टिकेशन का मतलब हम उनकी केयर ले रहे हैं या वो हमारे साथ रह रहे हैं. ओके, और ऐसे एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, ऐसे सारे एनिमल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लाइफ स्टॉक. तो इसमें आपके काउस, बफेलोस, रैबिट्स, पोल्ट्री बर्ड्स, उसके बाद यू कैन से हॉर्सेस, कैमल, शिप, गोट, ये सारे एनिमल्स जो है. ओके, ये सारे एनिमल्स को एक साथ हम ये यूज वर्ड करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्टॉक. और इस लाइफ स्टॉक का 70% पॉपुलेशन जो है इट इज फाउंड ओनली इन टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के अंदर है. लेकिन इसकी दूसरी साइड ये भी है कि इसके सिर्फ प्रोडक्टिविटी जो है वो है 25%. मतलब इस लाइफ स्टॉक से हमको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, मेबी मिल्क होगा, वुल होगा, एग्स होंगे, मीट होगा, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी सिर्फ 25% है. मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन दोनों कंट्रीज में है लाइफ स्टॉक का, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो ये सिर्फ 25% है, बहुत कम है. तो इसको अगर हमको इंप्रूव करना है so we need some management procedures. हमको कुछ management procedures apply करने की जरूरत है. we have to use some new technologies. हमको कुछ new technologies का इस्तेमाल करना पड़ेगा. we should have a proper channels of marketing of the product. मतलब इस product का जो marketing है, distribution है, अगर वो proper होता है so definitely we can improve this productivity. इस productivity को properly improve किया जा सकता है. So, ये जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू यहां पे दिया हुआ है, इंडिया एंड चाइना हैव 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, ऐसा यहां पे क्वेश्चन बनाएगा तो आपका आंसर आएगा 70%. बाद में फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड, ये बहुत बेसिक सी चीज है, यहां पे कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो पढ़ाने की जरूरत है या फिर कोई कंसेप्ट नहीं है जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा. बस अब हमको हमारा जो कॉमन सेंस है या फिर जनरल नॉलेज है वो यूज करके इसके आंसर देने हैं. तो जैसे फार्म है, कोई भी फार्म है, डेयरी फार्म हो गया है, पोल्ट्री फार्म हो गया है, तो उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो
तो पहला क्वेश्चन या पहला ऑप्शन वहां पे दिया है सिलेक्टिंग हाई कैलोरी ग्रेड्स, डेफिनेटली ये करना पड़ेगा। दूसरा है सप्लाई ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल डाइट टू द लाइफ स्टॉक, अगर हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उस लाइफ स्टॉक को एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच डाइट देना भी जरूरी होता है, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड वेटरनरी सुपरविजन, उनकी हेल्थ और उनका प्रॉपर वेटरनरी सुपरविजन भी जरूरी होगा फॉर द फार्म मैनेजमेंट। सो ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ये उसका आंसर देने वाला है। बाद में लाइफ स्टॉक इंक्लूड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइफ स्टॉक का कांसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया कि लाइफ स्टॉक के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें काउस बफेलोज हॉर्सेस पिग्स कैमल शिप्स एंड बोट सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएंगे। सो वापस इस एमसीक्यू का आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। बाद में जो नेक्स्ट एमसीक्यू है टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल फार्म डैश इज नीडेड, अगर आपको इस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है I told you I need some management procedure. I may need some new technologies. I need different strategies for marketing and distribution of the product. ये सारी चीजें जरूरी है। तो वापस यहाँ पे आएगा management procedure. Spelling mistake के वहाँ पे वो correct करना है आपको. A option should be management procedures. B option दिया है adoption of new technology. दोनों चीजें जरूरी है. तो इसका answer हम देंगे both A and B. बाद में अगला जो MCQ है, this is based on the dairy industry. तो जो एमसीक्यू दिया हुआ है द डैश इंडस्ट्री कवर्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल है, ऐसी इंडस्ट्री जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके ये सारा का सारा पार्ट जो है दिस इज इंक्लूडेड इन द डेयरी इंडस्ट्री। सो इस एमसीक्यू का आंसर आएगा डेयरी। बाद में मिल्क इज डिपेंड्स ऑन, मतलब काउस और बफेलो जनरली हम यूज करते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन, इसके लिए आपको मिल्क प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है डेयरी इंडस्ट्री में तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है आई शुड हैव द हाई यील्डिंग ब्रीड, मेरे पास हाई यील्डिंग ब्रीड होना जरूरी है, और दूसरा उस ब्रीड का डिजीज रेजिस्टेंस भी वहां पे मैटर करेगा। तो ये जो एमसीक्यू है आपका मिल्क यील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रीड की क्वालिटी क्या है, किस टाइप का ब्रीड है, और दूसरा उस ब्रीड का डिजीज रेजिस्टेंस कैसा है। तो इस ऑप्शन या इस एमसीक्यू का जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन Both A and B, ये उसका आंसर है। बाद में डैश आर द इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउ, काउ के जो इंडियन ब्रीड्स हैं, तीन नाम से आपको याद रखने हैं, गीर साहिवाल एंड सिंधी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो नाम आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है वही हमको याद रखने हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कुछ अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक हम रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे कुछ अलग अलग ब्रीड्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे विच मे ऐड टू योर कंफ्यूजन। रिमेंबर वेल जो आपका सीईटी का पेपर सेट होगा टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, जो भी क्वेश्चन होंगे दे विल बी 100% बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के बाहर के जो एग्जाम्पल्स है या ब्रीड के नाम है वो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में ये तीन नाम मेंशन है इंडियन ब्रीड्स में, गीर साहिवाल एंड सिंधी, दीज आर द इंडियन ब्रीड्स ऑफ द काउस, ओके। और एक्सोटिक ब्रीड्स भी है, एक्सोटिक मतलब जो बाहर की कंट्रीज से हमने हमारी कंट्री में लाए हुए ऐसे ब्रीड्स को हम एक्सोटिक ब्रीड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर भी तीन नाम दिए हुए, एक है आपका ब्राउन स्विस, दूसरा है आपका होलस्टीन फ्रीजियन, और लास्ट में जो है दैट इज जर्सी। सो ब्राउन स्विस होलस्टीन एंड जर्सी दीज आर द एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ द काउ, गीर साहिवाल एंड सिंधी दीज आर द इंडियन ब्रीड्स ऑफ द काउ, ओके। इन इंडिया देयर आर सिक्स डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो, बफेलो की भी 6 अलग ब्रीड है, उसमें एक होता है आपका सूरती, एक आपका है यू कैन से मैसाना, ओके, उसके बाद आता है मुर्रा, बाद में है आपका नीली, ओके, देन देयर इज नागपुरी एंड सूरती। सो सूरती, मैसाना, मुर्रा, नीली एंड नागपुरी, दीज आर सम इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो, ये कुछ बफेलो के ब्रीड्स है ये आपको याद रखने हैं, ओके। सो इसमें एक और ब्रीड आप याद रख सकते हो, द नेम ऑफ द ब्रीड इज जाफराबादी। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रीड्स आर 6, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ बफेलो आर फाउंड इन इंडिया, उस टाइम पे आपका आंसर आएगा 6, ओके। सो इस एमसीक्यू के लिए इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउस आंसर रहेगा साहिवाल, सिंधी एंड गीर। बाद में जो 10 नंबर का एमसीक्यू दिया, सॉरी 9 नंबर का एमसीक्यू है, डैश आर द एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ द काउ, अभी मैंने बताया आपको जर्सी एंड होल्स्टीन, ये दोनों के दोनों जो है ये आपके एक्सोटिक ब्रीड्स है। बाद में हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ बफेलोज आर फाउंड इन इंडिया, आई टोल्ड यू देयर आर टोटल 6 ब्रीड्स, वन इज कॉल्ड सूरती, नेक्स्ट वन इज मेहसाना, उसके बाद है मुर्रा,
नीली, नागपुरी एंड जाफराबादी। ओके, तो ये ब्रिड्स के नाम आपको याद रखने हैं। बाद में मुर्रा, मेहसाणा एंड जाफराबादी आर द ब्रिड्स ऑफ, वही एमसीक्यूज आपको अलग तरीके से पूछा गया है। ये जो मुर्रा, मेहसाणा और जाफराबादी है, ओके, दीज आर द ब्रिड्स ऑफ बफेलो, बफेलो के ब्रिड्स है। तो 11 नंबर का एमसीक्यू आंसर रहेगा ए, बफेलो। साइलेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अभी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर एग्जैक्टली साइलेज होता क्या है। जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब इसमें ग्राउंड नट आ सकता है या फिर आपके जो भी मतलब पल्सेस होते हैं वो आ सकते हैं। बाद में देयर आर सम ग्रासेस, मे बी यू कैन से मेज, ओके। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको एक डिप पिट में डिप किया जाएगा या फिर डंप किया जाएगा, मतलब एक बड़ा सा खड्डा बना लेंगे और उसके अंदर ये सारे ग्रासेस को डाल देंगे और उसको ऊपर से वापस सॉइल से कवर कर दिया जाएगा। एंड इट इज अलाउड टू डीकंपोज फॉर अ सेवरल पीरियड ऑफ टाइम। और जब ये डीकंपोज हो जाएगा माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, ओके, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट जो है, ओके, वो प्रॉपरली इंप्रूव हो जाता है न्यूट्रिएंट करके। एंड ऑल दिस टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड साइलेज, विच इज अ वेरी न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर द मिल्किंग काउस, मतलब ऐसे काउस है बफेलो जिनका मिल्क प्रोडक्शन चल रहा है उनके लिए ये बहुत अच्छा फूड होता है। तो इन्होंने पूछा है कि साइलेज बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लेग्यूम्स यूज कर सकते हैं, ग्रासेस का यूज कर सकते हैं, मेज का यूज कर सकते हैं या फिर जवार का इस्तेमाल करना भी पॉसिबल है। सो 12 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा ए। बाद में 13 नंबर का एमसीक्यू है, एंड एडिशनल इनकम कैन बी ऑब्टेन इन द कैटल फार्म फ्रॉम, वापस मैंने बोला कि आपके कॉमन सेंस या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो डेयरी फार्म होता है काउस और बफेलोज है, एडिशनल इनकम कहां से मिल सकता है, तो डेफिनेटली काउ डंग, मैन्यूअर, फ्यूल केक्स, ओके, उसके बाद गोबर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द काउ डंग और कैटल का फॉडर, ओके। तो कैटल का फॉडर ये तो नहीं आएगा, ये कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो आपका जो आंसर है 13 नंबर का, इट शुड बी बोथ ए एंड बी, दोनों से आपको एडिशनल इनकम मिलना पॉसिबल है। बाद में पोल्ट्री इंक्लूड द रेयरिंग ऑफ, अभी बहुत बार ऐसा लगता है हमको कि पोल्ट्री है मतलब सिर्फ चिकन का रेयरिंग होता है या फिर मुर्गियों के लिए पोल्ट्री होती है, लेकिन इसमें और कुछ अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी आते हैं जैसे टर्की, गीस, ओके, देन चिकन, एंड दिस एनिमल्स आर रेयर फॉर आइदर एग्स और मीट पर्पस, दो पर्पस के लिए इनका रेयरिंग किया जाता है, या तो एग पर्पस के लिए या फिर मीट पर्पस के लिए। तो आपके पोल्ट्री में चिकन, फाउल्स, डक्स, टर्कीज, गीस, सारे के सारे बर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर का एमसीक्यू है, मेन प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री इज, मैंने अभी बताया इनको दो पर्पस के लिए हम रियर कर रहे हैं, एक है आपका एग्स एंड द सेकंड वन इज मीट। नाउ द चिकन फॉर एग पर्पस इज कॉल्ड लेयर, जिन चिकन को एग पर्पस के लिए रेयर किया जाएगा उनको लेयर्स ऐसे बोलते हैं, एंड द चिकन विच इज रेयर फॉर मीट पर्पस दे आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स, उनको हम ब्रॉयलर्स ऐसा बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। बाद में 16 नंबर का एमसीक्यू है, द चिकन रेयर्ड फॉर एग्स आर, अभी मैंने बताया ये होते हैं लेयर्स, इसका आंसर लेयर्स आएगा। बाद में 17 नंबर का एमसीक्यू है, प्लाइमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर आर द डैश वैरायटीज ऑफ चिकन, ऑल आर अमेरिकन ब्रिड्स। आई रिपीट, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि कौन से ब्रिड अमेरिकन है, कौन से ब्रिड एशियन है, कौन से ब्रिड इंडियन है, तो ये ब्रिड के नाम आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। आपका टेक्निक इस्तेमाल करो, बाय हुक और क्रूक यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर पूछे गए। तो ये जो आपके ब्रिड है, प्लाइमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड एंड न्यू हैम्पशायर, जैसे मैंने बताया ऑल आर अमेरिकन ब्रिड्स ऑफ द पोल्ट्री। बाद में 18 नंबर का एमसीक्यू है, Which of the following are Asiatic breeds of chicken? अभी हमको Asian breeds के बारे में पूछा है, तो इसमें आता है आपका ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगशान, ये तीन जो ब्रिड्स है ये आपके एशियन ब्रिड्स है। सो 18 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा बी। बाद में अगला जो एमसीक्यू है आपका 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिटेरियन ब्रिड्स ऑफ चिकन, अभी मेडिटेरियन ब्रिड्स के बारे में पूछा है, तो इसमें आंसर आएगा लेगॉन एंड माइनोरिया, White Leghorn and Magnolia, so this option is C. 20 number का MCQ है, English breeds of chicken include. इसके अंदर आपका answer है Australorp. ये थोड़ा out of syllabus question है, इसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे नहीं तो भी better होगा, उसकी जरूरत नहीं है हमको। बाद में पूछा है Indian breeds of chicken, Indian breeds के बारे में अगर पूछते हैं तो इसमें आता है Chittong, बाद में आता है Asil, उसके बाद Brahma and finally Kadaknath. So ये सारे जो है ये आपके Indian breeds है। तो इसका जो आंसर है एमसीक्यू नंबर 21 ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है।
22 नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री ब्रीड्स आर प्रिफर्ड एज ब्रॉयलर्स, मतलब मीट पर्पस के लिए ज्यादा कौन से ब्रीड को प्रिफर किया जाता है, तो इसमें दो है, प्लाईमाउथ रॉक एंड कड़कनाथ, ये जो है ये प्रीफर ब्रॉयलर्स है। ओके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल पोल्ट्री डिजीज, अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे ब्रीड्स के नाम है वैसे डिजीज के नाम भी दिए है कि पोल्ट्री में बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, फंगल कौन सा है, वायरल कौन सा है, उसके बाद आपके पैरासाइटिक डिजीज कौन से है, तो ये डिजीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करते हैं तो पुलरम आता है, कॉलरा भी बैक्टीरियल है, टाइफॉइड ये भी मुर्गियों में पाया जाता है, टीबी भी होता है, और सीआरडी जिसको बोलते हैं क्रॉनिक रीनल डिजीज किडनी से रिलेटेड होता है, ये सारे बैक्टीरियल है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस। 24 नंबर का एमसीक्यू है, विच इज अ फंगल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, दो ही डिजीज यहां पे है, एक है आपका एस्परजिलोसिस और दूसरा है थ्रश, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें पैरोस भी आ सकता है। ओके उसके बाद 25 नंबर का एमसीक्यू दिया हुआ है, फ्यू इयर्स बैक डैश हैव सीरियसली इन्फ्लुएंस पोल्ट्री फार्मिंग एंड ह्यूमन इंफेक्शन टू, यदि आपको पता है जनरल नॉलेज है कि कुछ सालों पहले बर्ड फ्लू आया था जिसने पोल्ट्री बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोल्ट्री को ज्यादा हैम्पर करने वाला कुछ सालों पहले कौन सा डिसीज था, तो इसमें आपका आंसर आएगा बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू डिसीज की वजह से प्रॉब्लम हुए थे। बाद में कोक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, नाउ दिस इज अ प्रोटोजोअल डिसीज, ये जो कोक्सीडियोसिस है एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। ओके तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछे गए, 27 नंबर के एमसीक्यू में रीड कर रहा हूं, डैश इज अचीव बायो ब्रीडिंग, पर्पस क्या है ब्रीडिंग का, जैसे मैंने बोला कि 25% प्रोडक्टिविटी है, इसको अगर मुझे बढ़ाना है ओके तो दो अलग अलग ब्रीड का मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, एंड एज एवरीबडी नोज जब हम दो ब्रीड का क्रॉस करते हैं वी कैन कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक ब्रीड है, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देख लेते इसको सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके एनिमल ब्रीडिंग के बारे में शॉर्टकट में बताता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं यहां पे। ओके तो सबसे पहले तो एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर हम किसी काऊ में ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम हमको मिल्क प्रोडक्शन कैसे मिल सकता है। अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो शायद वहां पे मेरा टारगेट रहेगा हाउ टू इंक्रीज द एग प्रोडक्शन और हाउ टू इंक्रीज द मीट प्रोडक्शन। अगर हम शिप में ब्रीड कर रहे हैं तो वहां पे वुल की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, क्वांटिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। सो एनिमल ब्रीडिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये भी आ सकते हैं, या फिर अगर कोई ब्रीड है और उस ब्रीड का मुझे डिजीज रेजिस्टेंस इंप्रूव करना है, उसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, इसको इंप्रूव करने के लिए भी हम एनिमल ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपका एनिमल ब्रीडिंग है ये दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। ओके इसको हम देख लेंगे शॉर्टकट में एग्जैक्टली ये एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है, एज आई टोल्ड यू ओके दो टाइप का एनिमल ब्रीडिंग होगा, एक होगा इन ब्रीडिंग और दूसरा होगा आउट ब्रीडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, बताना चाहिए दो टाइप मैंने बताया, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को आपको क्रॉस करना है ओके फॉर 4 to 6 जनरेशन, ये हम कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक करने वाले हैं, बट दे शुड हैव कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब जो पेरेंट्स आप इसमें यूज कर रहे हो उनके एंसेस्टर या पेरेंट्स भी कॉमन होने चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसको हम बोलेंगे इन ब्रीड, आई रिपीट मेटिंग ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ मेटिंग पार्टनर्स, मतलब दोनों पार्टनर्स के पेरेंट्स या एंसेस्टर कॉमन होने चाहिए। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे ब्रीडिंग को हम इन ब्रीडिंग बोलेंगे। इन ब्रीडिंग से हमको क्या फायदा हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन ब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, मतलब जो जीन्स है दे कम इन प्योर फॉर्म और होमोजाइगस फॉर्म, मतलब अगर मुझे किसी ब्रीड में प्योर लाइन ब्रीड डेवलप करना है तो मेरे लिए जो मेथड रहेगा ब्रीडिंग का वो रहेगा इन ब्रीडिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इन ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स,
सुपीरियर जीन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड वी कैन इलिमिनेट हार्मफुल जीन्स. मतलब मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये स्मॉल टी जो है ये हार्मफुल जीन है, लेकिन कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा और शायद मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा जीन हार्मफुल है. लेकिन जब मैं कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करूंगा तो ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा और ये खुद को एक्सप्रेस कर देगा. और अगर ये हार्मफुल जीन है तो उस एनिमल को हम अगले ब्रीडिंग में यूज नहीं करेंगे तो वो जीन अगले जनरेशन में पास भी नहीं होगा. मतलब सुपीरियर जीन्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हार्मफुल जीन्स को इलिमिनेट करना पॉसिबल है. दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग. लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर आप कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करते जाते हो इट विल डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल्स. जो एनिमल है उसका जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है जिसको मैं फर्टिलिटी बोल रहा हूं, ये कम हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है. बहुत सिंपल सा मीनिंग है, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग. कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग की वजह से अगर प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी कम हो रहा है तो ऐसे चीज को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऐसा बोल सकते हैं. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. बाद में ये जो है आपका आउटब्रीडिंग, इसको आगे हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर देंगे. उसमें पहला जो है दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, और लास्ट में जो है उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली ये है क्या. आउट ब्रीडिंग का पहला टाइप मैंने बताया आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. अब एग्जैक्टली क्या है, आउट क्रॉसिंग में आई कैन क्रॉस द यू कैन से टू इंडिविजुअल्स और एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड. सेम ब्रीड के एनिमल्स में हम क्रॉस करने वाले. मतलब अगर गीर ये ब्रीड हमने लिया है तो गीर ब्रीड का हम मेल यूज करेंगे और इसी ब्रीड का हम फीमेल भी यूज करेंगे. लेकिन सिर्फ इन दोनों के एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे. मतलब इसके पेरेंट्स अलग होंगे, इसके पेरेंट्स अलग होंगे. अगर दोनों के पेरेंट्स सेम होते हैं तो इनब्रीडिंग हो जाएगा. सो सेम ब्रीड के एनिमल्स में क्रॉस होने वाला है. ओके और मैं बोल रहा हूं सिर्फ यहां पे एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे. अगर ऐसा हम क्रॉस करते हैं तो इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे एंड द न्यू आउटकम और न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड आउट क्रॉस. इससे जो हमको नया एनिमल मिलेगा या इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम आउट क्रॉस बोल सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, सिंगल आउट क्रॉस कैन रिमूव इनब्रीडिंग डिप्रेशन. एक बार अगर हम आउट क्रॉस कर देते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करना पॉसिबल है. तो ऐसा आपको पूछ सकते हैं कि कोई एक्सवाइजेड नाम का एनिमल है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से सफर कर रहा है या उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप ब्रीडिंग का कौन सा मेथड यूज करोगे. तो उस टाइम पे आपका आंसर आएगा आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग की मदद से ये पॉसिबल है. ओके दूसरी चीज, अगर कोई एनिमल से जिसका मिल्क प्रोडक्शन एवरेज है इसको हमको बढ़ाना है, मीट प्रोडक्शन एवरेज है इसको हमको बढ़ाना है, तो भी हम आउट क्रॉसिंग के इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाद में सेकेंड वन क्रॉस ब्रीडिंग. अभी यहां पे हम एक ही स्पेसीज के अलग अलग ब्रीड का क्रॉस करेंगे. मतलब यहां पे स्पेसीज सेम है, मतलब काउस के बीच में ही क्रॉस करना है लेकिन स्पेसीज अलग होगा. मतलब मान लो कि गीर ब्रीड का हमने मेल यूज किया है और दूसरा एक ब्रीड है साहिवाल नाम का, इसका हमने फीमेल यूज किया है और इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं. दोनों काउ के ही ब्रीड है, मतलब सेम स्पेसीज के हैं लेकिन सिर्फ ब्रीड अलग अलग है. अगर ब्रीड चेंज हो जाएगा तो इसको आपको बोलना है क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये होता है क्रॉसिंग बिटवीन द टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स. अलग अलग ब्रीड्स के हैं लेकिन वो सेम स्पेसीज के होने चाहिए. अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोल सकते हैं और इसका जो नया प्रोडक्ट या आउटकम रहेगा दिस कैन बी कॉल्ड एज हाइब्रिड. इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं. ओके एंड जनरली इट कैन शो हेटरोसिस. हेटरोसिस का मतलब ये ले सकते हैं हम कि ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ओके ये सुपेरियर होते हैं एज कंपेयर टू बोथ द पेरेंट्स. जब आपका हाइब्रिड दोनों पेरेंट्स से सुपेरियर है तो हम बोल सकते हैं इट इज शोइंग हाइब्रिड विगर या फिर इसको हेटरोसिस बोला जाता है. और इसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके देयर इज वन ब्रीड कॉल्ड मैरिनो. मैरिनो का रैम यूज किया है. रैम का मतलब होता है मेल शिप. शिप हम सबको पता है, शिप में जो मेल होती है उसको हमने रैम बोला है. तो जो मेल है वो मैरिनो ब्रीड का है एंड देयर आर बीकानेरी ईव्स. ईव का मतलब होता है शिप ऑफ द सॉरी फीमेल शिप. शिप में जो फीमेल होते हैं उनको ईव बोला जाता है. ओके तो बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम का क्रॉस किया हुआ है पंजाब में और एक नया ब्रीड डेवलप
किया है उस नेम इज हिसार डेली, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में जो मेथड है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम दो अलग अलग स्पीसीज का ही क्रॉस कर देंगे। जैसे आपको शायद पता होगा देयर इज अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, हॉर्स और डोंकी के बीच में भी क्रॉस किया है, इसका जो आउट प्रोडक्ट होता है इसको हम म्यूल बोलते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी ये है, दिस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स आर स्टराइल, मतलब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमको जो नया एनिमल मिलेगा वो मोस्टली सेक्सुअली स्टराइल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दिस इज योर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इतने भी याद रहे तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो जो 27 नंबर का एमसीक्यू है, डैश इज अचीव बाय द ब्रीडिंग, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क एज वेल एज मैक्सिमम रेट ऑफ एग्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। 28 नंबर का एमसीक्यू है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स शोइंग सिमिलर characters like general appearance, features, size, configuration is termed as. ऐसे animal का group जिनके characters same है, features same है, they can be called as breed. उसको हम breed बोल सकते हैं. Okay, so इसके answer A आएगा. 29 number का MCQ है, the process of mating two closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generation is called. एक ही breed है, closely related हो गए. Okay, तो इसको आपको inbreeding बोलना है. So ये जो MCQ है आपका, इसका answer आएगा inbreeding. बाद में है अ सुपीरियर काउ इज द वन व्हिच, मतलब ऐसा काउ जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है वो सुपीरियर काउ होती है। तो हम यहां पे आंसर दे सकते हैं प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, हर लैक्टेशन में अगर ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर पा रही है तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सुपीरियर काउ। सो इसका आंसर आएगा बी। बाद में इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन, इन ब्रीडिंग का फायदा मैंने बताया एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड इलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स, दोनों उसके बेनिफिट है। तो 31 नंबर का एमसीक्यू है, ए ऑप्शन में दिया है एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, बी ऑप्शन में दिया है इलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल और लेस डिजायरेबल जीन्स बाय सिलेक्शन। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, दोनों पॉसिबल है। ओके, 32 नंबर का एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के है लेकिन अनरिलेटेड है, मतलब उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग और आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग ऑप्शन में नहीं है लेकिन आउटक्रॉसिंग या आउटब्रीडिंग का टाइप है, इसलिए हम इसका आंसर दे सकते हैं आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग इसका प्रॉपर आंसर है। बाद में द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली रीड करना है, इसमें ही कंफ्यूजन होता है, विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ मेटिंग पार्टनर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन, कॉमन एंसेस्टर नहीं है लेकिन सेम ब्रीड में अगर क्रॉस हो रहा है दिस इज आउट क्रॉसिंग, इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। तो इसका 33 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ऑप्शन आएगा ए। देन 34, व्हिच मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज यूज्ड फॉर कैटल व्हिच इज बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन। ये भी अभी मैंने बताया कि अगर एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कम है, बहुत कम है, बिलो एवरेज है, तो उसके लिए यही मेथड है आउट क्रॉसिंग, इसी से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को निकालने के लिए भी इसी मेथड का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। तो यहां पे आपका आंसर आएगा आउट क्रॉसिंग वंस अगेन। 35 नंबर का एंसर हम रीड कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग, इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो 35 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा डी। बाद में 36 नंबर का एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन रिलेटेड है एक दूसरे से, हॉर्स एंड डोंकी। ओके, सो दिस कैन बी कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आपका आंसर आएगा बी। 37 नंबर का एमसीक्यू है, इन एमओईटी टेक्नोलॉजी काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद, अभी एमओईटी का मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये उसका फुल फॉर्म है। अभी इसमें एग्जैक्टली करते क्या है, तो अगर एक सुपीरियर काउ को हमने सिलेक्ट किया है जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, अब इस काउ को FSH का इंजेक्शन दे देंगे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, सो दैट दिस काउ कैन सुपर ओव्यूलेट। अभी आप बोलेंगे सर सुपर ओव्यूलेट मतलब क्या होता है, तो यहां पे इस काउ के अंदर 6 to 8 एग्स विल मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे 6 से 8 एग्स मैच्योर हो जाएंगे, और बाद में ये जो काउ होती है इट इज आर्टिफिशियली इनसेमिनेटेड, मतलब आर्टिफिशियली एक सुपीरियर बुल का सीमेन इसके बॉडी में डाल दिया जाता है। ओके, और मेटेड विद द सुपीरियर बुल, इसको हम सुपीरियर बुल के साथ मेट कर सकते हैं,
या फिर उसका सीमेन कलेक्ट करके इसके बॉडी में डाल सकते हैं। सीमेन में डेफिनेटली स्पर्म्स होंगे जो एग्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे और एक ही साथ आपको कम से कम 6 से 8 एम्ब्रियोज मिल जाएंगे और इन सारे एम्ब्रियोज को नॉन सर्जिकली उस मदर के यूटरस से निकाला जाता है और हर एम्ब्रियो को अलग अलग काउ के यूटरस में हम ट्रांसफर करेंगे। जो नए काउ में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज सरोगेट मदर्स, उनको हम सरोगेट मदर्स बोलते हैं। मतलब एक ही वक्त पे 6 to 8 सुपीरियर काउस कैन बी प्रोड्यूस। ये जनरली एक टाइम पे एक ही होता है अगर हम नेचुरली देखते हैं, लेकिन इस टेक्निक से हम एक ही साथ 6 से 8 सुपीरियर काउस प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जो आपकी जेनेटिक मदर है दैट कैन बी यूज फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओविलेशन। मतलब हम इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इन्होंने पूछा है कि उस टाइम पे हम किसका इंजेक्शन देंगे, सो डेफिनेटली हम काउ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एटसेज। बाद में इन एमओडी टेक्नोलॉजी इन ईच रिप्रोड्यूस साइकिल ऑफ काउ डैश एग्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। अभी मैंने बताया एक टाइम पे कम से कम 6 to 8 एग्स विल मैच्योर। देन इन एमओडी टेक्नोलॉजी व्हिच सेल स्टेज इज ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में जब एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इट शुड बी बिटवीन 8 to 32 सेल स्टेज। इस स्टेज के एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके सो इसका आंसर आएगा डी, 8 to 32 सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर्स। बाद में बी कीपिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, मतलब हनी बी का रेयरिंग होता है जिसको हम एपिकल्चर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली एपिकल्चर में ये तो वापस पूरा जंगल बना जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके हम रफली एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है यहाँ पे। सो पहला एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, अगला एमसीक्यू रीड कर रहा हूँ। बी कीपिंग में आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ हनी बीज टू ऑब्टेन हनी प्रोडक्ट सच एज हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू artificial rearing of honey bees can be called as apiculture. इसको apiculture बोलने वाला है। ओके बाद में apis is the generic name of, ओके apis is the generic name of honey bee. honey bee का generic नाम है। ओके एक होता है आपका apis indica, then there is apis mellifera, ओके उसमें है आपका apis dorsata, ओके and the last one is called as apis flori. चार नाम याद रखने आपको, 4 different species of honey bees are found in India. ओके एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरी। कॉमन नेम पूछा जाता है, एपिस इंडिका इज कॉमनली कॉल्ड इंडियन बी, एपिस मेलिफेरा इज वेरी कॉमनली कॉल्ड एज यूरोपियन बी, यूरोपियन बी बोला जाता है, एपिस डॉर्साटा इज कॉल्ड रॉक बी और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड बी एंड एपिस फ्लोरी कैन बी कॉल्ड एज लिटिल बी। सो ये अल्टरनेटिव नाम भी याद होना चाहिए, मैजिकल पेयर में भी आ सकता है। ओके और लास्ट में हमको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियली जो एपिकल्चर है मतलब जो रेयरिंग होता है उसके लिए सिर्फ 2 स्पेसिस यूज होता है, दैट इज एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। तो कौन से स्पेसिस को डोमेस्टिकेट किया जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो 2 स्पेसिस हम यूज करते हैं, एक होता है एपिस इंडिका, दूसरा होता है एपिस मेलिफेरा। बाद में अगला जो एमसीक्यू है आपका, इसका आंसर आएगा हनी बी। द मोस्ट सुटेबल स्पेसिस ऑफ हनी बीज फॉर बी कीपिंग, अभी मैंने बताया इंडिका एंड मेलिफेरा दोनों भी है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। विच एरियाज आर प्रिफर्ड फॉर बी कीपिंग, कौन से एरिया में हम इसको कर सकते हैं? सो डेफिनेटली एरियाज नियर वाटर बॉडीज, वाटर की अवेलेबिलिटी जरूरी है, एरियाज विद वाइल्ड श्रब्स फ्रूट ऑर्चर्ड्स और कल्टिवेटेड क्रॉप्स डेफिनेटली। ओके हनी बीज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, सो वहां पे प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। और एरियाज विद मार्शी लैंड, मार्शी लैंड की एरिया की जरूरत नहीं है। So, इसके लिए हम आंसर यहां पे बोथ एंड बी ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऐसा एरिया जहां पे वाइल्ड श्रब्स हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं और कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं। बाद में बी कीपिंग रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बी हाइव बॉक्सेस जो लकड़ियों की पेटियां होती है। ओके बाद में जो कॉम फाउंडेशन शीट होता है, बी वेल, बाद में स्मोकर दिया हुआ है, बी ब्रश, ग्लोव्स, गम शूज, अनकैपिंग नाइफ, स्वान नेट, क्वीन एक्सक्लूडर, सब कुछ लगेगा। So, इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। बाद में मेनी इंडियन ट्री क्रॉप्स नीड द सर्विसेज ऑफ हनी बीज एग्स, ये याद रखो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर सकते हैं ये हमको पता है, और इंसेक्ट से जितना भी पॉलिनेशन होता है उसमें से 80 to 85% ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय द बीज। मतलब जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसमें सबसे बड़े पॉलिनेटर्स यही है बीज। ओके सो पॉलिनेटर्स ये उसका प्रॉपर आंसर रहेगा। बाद में आएगा बी कीपिंग इन द क्रॉप फील्ड्स ऑफ डैश हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ट्रिमेंडसली, इसमें सब कुछ कर सकते हैं आप, सनफ्लावर के फील्ड में कर सकते हैं, मस्टर्ड, सैफ्लावर, चिली, कैबेज, कुकुम्बर, गर्ड्स, लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स। ओके सो आपको आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव।
बाद में फिशरीज के ऊपर क्वेश्चन है, द टर्म फिशरी इज यूज फॉर, फिशरी के लिए हम कैचिंग ऑफ द फिशेज, प्रोसेसिंग ऑफ द फिशेज, फिश का फार्मिंग, फिश का मार्केटिंग, ये सब कुछ आता है फिशरी में। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा। इनलैंड एक्वाटिक एरिया ऑफ अवर कंट्री कवर्स अबाउट डैश लाख एकर्स, एग्जैक्टली आपके टेक्स्टबुक में ऐसे फिगर्स दिए हुए हैं वैसे ही याद रखना है, एंड इट इज 40 to 50 lakh acres। हमारा जो इनलैंड एक्वाटिक एरिया है ये कम से कम 40 to 50 lakh acres के आसपास है। इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग सी कोस्टल लाइन ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर, इंडिया का सी कोस्टल लाइन है 7,000 km, महाराष्ट्र का अगर पूछते हैं इट इज 720 km। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाद में रोहू इज जूलॉजिकली नेम्ड एज, अभी फ्रेश वाटर फिशेज में आता है आपका रोहू, बाद में आता है आपका कटला, एंड लास्ट वन इज ब्रिगला, तीन ही फिश के याद नाम रखने आपको। ओके, दैट इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं जिसको हम इनलैंड फिशरी बोलते हैं। द फिशरी विच इज डन इन द फ्रेश वाटर दिस कैन बी कॉल्ड इनलैंड फिशरी, द फिशरी विच इज डन इन सी और ओशियन दिस इज कॉल्ड मराइन फिशरी। So, कौन से फिशेज फ्रेश वाटर है, कौन से मराइन है, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया रोहू, इसका साइंटिफिक नाम है लैबियो रोगिका। ओके, कटला का जो साइंटिफिक नाम है याद रखने में बहुत सिंपल है, इट इज कटला कटला, एंड लास्ट में है सीरीना ब्रिगला। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फिश कॉल्ड ब्रिगल। ओके, सो यहाँ पे लैबियो रोगिका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 51 नंबर का एमसीक्यू है, कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज इंक्लूड, वापस वहीगा लैबियो रोहिता है, कटला कटला है, एज वेल एज दिस सीनियर मिगला। सो इसमें आपका आंसर आएगा ए, 51 नंबर का एमसीक्यू है। 52 नंबर का एमसीक्यू रीड कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्म, जनरल नॉलेज बेस्ड है, वंस अगेन सिलेक्शन ऑफ साइट ये इंपॉर्टेंट है, एक्सकैवेशन ऑफ पॉन्ड मतलब पॉन्ड का जो डिगिंग होता है वो इंपॉर्टेंट है, हैचरी नर्सरी रेयरिंग पॉन्ड्स, ये कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब मान लो कि ये आपका फिशरी का पॉन्ड हमने बनाया, इसमें जो पहला कंपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग हब्बा, और इसमें हम रखते हैं सेट ऑफ फिश, इसमें एक मेल एक फीमेल या फिर एक मेल और दो फीमेल को हम रख सकते हैं, और फीमेल को हम इंजेक्ट करते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से, मतलब कुछ फिशेस के पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाला जाता है, उनको क्रश करके उसको प्रोसेस करके ये पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट बनता है, और वापस इसके अंदर होता है FSH फॉलिकल सिंथेटिक हार्मोन। और जब हम इसको आर्टिफिशियली उनके बॉडी में डालते हैं तो यहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, इन एग्स को निकाल के हम लेके आते हैं आपके हैचरीज में, ये अगला कंपार्टमेंट होता है। तो हैचरी में क्या होता है, एग्स विल हैच आउट, ओके, एंड द फिश विल कम आउट व्हिच इज कॉल्ड हैचरी। एग को ब्रेक करके जो सबसे पहला स्टेज बाहर आएगा उस स्टेज को हैचरी बोलते हैं। हैचरी ऐसा फिश है जिसका माउथ क्लोज होता है, एक दिन में माउथ गेट ओपन, और माउथ ओपन होने के बाद उसको हम स्पॉन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैचरिंग और स्पॉन में क्या डिफरेंस है, अगर उसका माउथ क्लोज है तो उसको हम हैचरिंग बोलेंगे, अगर उसका माउथ ओपन है तो उसको हम स्पॉन बोलेंगे। हैचरिंग टू स्पॉन में जाने में सिर्फ एक दिन का वक्त लगता है, वन डे मैक्सिमम ये पॉसिबल हो जाएगा। बाद में हैचरी से निकाल के हम उसको लेके आएंगे नर्सरी में, ये अगला कंपार्टमेंट होता है। तो नर्सरी में होता क्या है, स्पॉन गेट कन्वर्टेड इन फ्राई, ये अगला स्टेज है फ्राई। ओके, फिश फ्राई नहीं होता है, ये स्टेज का नाम है। ओके, तो फ्राई मतलब ऐसा फिश हैविंग द लेंथ ऑफ 1 to 2 inches, ऐसे फिश जिसकी लेंथ 1 या 2 inch है या 2.5 से 5 centimeter के बीच में है, ऐसे फिश को हम फ्राई बोलते हैं। यहां से इसको फ्राई को हम निकालेंगे और लेके आएंगे रेयरिंग पॉन्ड में। अब ये रेयरिंग पॉन्ड में फ्राई गेट कन्वर्टेड इन फिंगरलिंग, फ्राई जो है वो फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर फिंगरलिंग का मतलब क्या होता है, तो फिंगरलिंग इज अ फिश हैविंग 4 to 6 inches इन लेंथ, ऐसा फिश जिसका लेंथ 4 to 6 inch में होता है उसको हम फिंगरलिंग ऐसा बोलते हैं। और बाद में सबसे लास्ट में आता है स्टॉकिंग पॉन्ड, सो स्टॉकिंग पॉन्ड में हमको फिंगरलिंग को लेके आना है। ओके, एंड दिस फिंगरलिंग इज गोइंग टू अटेन द मार्केटेबल साइज, मतलब यहां से उसको सीधा हम निकाल के मार्केट में सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव फॉर द नंबर 52। 53 नंबर का एमसीक्यू है, फिश फार्म्स में भी सीडेड बेड। ओके, एक ही फिश को अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो इसको मोनो कल्चर बोलते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम कि एक ही साथ 2 या 3 अलग अलग टाइप के फिशेस को भी कल्चर कर सकते हैं, तो इसको पॉली कल्चर बोला जा सकता है। ओके, या फिर बाय कल्चर हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें बाय कल्चर नहीं बोलना है, पॉली कल्चर ही बोलना है उसको। ओके, सो आंसर इज बोथ ए एंड सी, इसका आंसर बोथ ए एंड सी रहेगा। 54 नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फिश फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन,
बहुत सारे मेथड है, सॉल्टिंग किया जाता है, कैनिंग किया जाता है, सन ड्राइंग किया जाता है, स्मोक ड्राइंग होता है, मतलब स्मोक की मदद से माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। ओके, तो सारे के सारे चिलिंग, फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग, उसके बाद सन ड्राइंग, स्मोक ड्राइंग, सॉल्टिंग, कैनिंग, ऑल ऑफ द अबव। आपको सिर्फ मेथड्स के नाम याद रखने हैं, कौन से मेथड में क्या किया जाता है इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, बाद में डैश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश, फिश ऑयल, फिश मील, फर्टिलाइजर, फिश गोनो, फिशिंग ग्लू और इसी ग्लास, सब के सब है। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। बाद में 56 नंबर के एमसीक्यू में डैश हैज द मार्केट वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो मार्केट वैल्यू है वो है आपके प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स। सो इस एमसीक्यू का आंसर रहेगा आपका ए। बाद में हम सेरिकल्चर की तरफ जाएंगे, द ब्रांच ऑफ एप्लाइड जूलॉजी विच डील्स विद द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दिस कैन बी कॉल्ड सेरिकल्चर। बॉम्बिक्स मोरी इज, दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ सिल्क वर्म, ये सिल्क वर्म का साइंटिफिक नाम है। तो 58 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर रहेगा सी। 59, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिल्क डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ, याद रखो दिस सिल्क वर्म फीड ऑन द मलबेरी लीव्स, तो ये मलबेरी लीव्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस क्वालिटी का सिल्क मिलने वाला है। तो डेफिनेटली यहां पे आंसर आएगा मलबेरी लीव्स। बाद में सिल्क वर्म लार्वी में भी इंफेक्टेड है, उनको प्रोटोजोआ का इंफेक्शन हो सकता है, वायरस का हो सकता है, फंगस का भी हो सकता है। सो 60 नंबर का एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा बी। 61 नंबर का जो एमसीक्यू है, इन सेरिकल्चर केजेस ऑफ लार्वी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंड क्रोज एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, इनसे आपको उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ओके, सो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए सी 61 नंबर के लिए। बाद में 62 नंबर का एमसीक्यू है, द कमर्शियल लैक इज प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज बाय, रिमेंबर वेल लैक इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज पैकार्डिया लैका, साइंटिफिक नाम पूछते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि लैक जो है ये कहां से बनता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द डर्मल ग्लैंड्स, मतलब स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से बनता है, और ओनली फीमेल इंसेक्ट, रिमेंबर वेल ओनली फीमेल लैक इंसेक्ट प्रोड्यूसर द लैक, मेल के थ्रू ये प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, एंड द इंसेक्ट इज अ कॉलोनियल इन हैबिटेट, मतलब ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं। ओके, तो यहां पे आंसर होना चाहिए आपका फीमेल इंसेक्ट, टैकार्डिया लैका फीड्स ऑन, ये भी लीव्स के ऊपर फीड करता है, ऑफ द प्लांट्स लाइक बेर, पीपल, कुसुम, बाबुल एंड पलस। ओके, सो इसका आंसर आएगा बी 63 नंबर का। 64 नंबर का जो एमसीक्यू है, नेचुरल लैक इज ऑलवेज, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो इंप्यूरिटीज होते हैं, मतलब वो प्योर नहीं होता है, तो उसको वॉश और फिल्टर किया जाता है, एंड आफ्टर वॉशिंग एंड फिल्टरिंग प्योर फॉर्म ऑफ लैक इज ऑब्टेन्ड, जिसको हम बोलते हैं शेलैक। इसके ऊपर क्वेश्चन आया बहुत बार कि लैक के प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं, आपका आंसर है शेलैक, इसके लिए वॉशिंग एंड फिल्टरिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे नेचुरल लैक हमने पूछा है तो इट इज ऑलवेज इम्प्योर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री डेफिनेटली इंडिया है, पूरे दुनिया में जितना लैक प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 85% लैक अकेले इंडिया में बनता है। ओके, बाद में लैक इज यूज्ड इन, ये हम बैंगल्स में यूज कर सकते हैं, टॉयज में यूज कर सकते हैं, वुडवर्क, पॉलिश, इंक, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, सब में यूज होता है। ओके, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। बाद में मिसिलेनियस में कुछ एमसीक्यूज है, डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन डेफिनेटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ बफेलोस, अभी हमने कवर किया मेहसाणा एंड सुरती, ये बफेलोस के एग्जाम्पल है। अंडर कंट्रोल कंडीशन रेयरिंग वैरायटी ऑफ बर्ड्स सच एज फाउल्स, डक्स एक्सेट्रा, बर्ड्स को रेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पोल्ट्री है, तो इसका आंसर पोल्ट्री आएगा। 70 नंबर का एमसीक्यू है, डैश इज द बेस्ट लेयर इन पोल्ट्री, इसका आंसर है व्हाइट लेग हॉर्न, जिसकी एक लेइंग कैपेसिटी होती है 220 एग्स पर ईयर, मतलब एक चिकन एक साल में कम से कम 220 एग्स का प्रोडक्शन कर सकता है। ओके, ये है आपका व्हाइट लेग हॉर्न। बाद में पैरासाइटिक डिजीज ऑफ पोल्ट्री इंक्लूड, इसमें लाउस इन्फेक्टेशन आता है, राउंड वर्म और सीकल वर्म का इन्फेक्शन है। और बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सी वाटर, ओके लैपियो रोहिता, दिस इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, बाकी सारे जो है हर्पेटॉन, सार्डिनिला, स्ट्रोमेटियस, ओके ऑल आर फाउंड इन द मराइन वाटर। तसा सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ओके इसका आंसर है आपका, यहां पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, तसा सिल्क का स्पेसिस जो है यहां पे मेंशन नहीं है, क्योंकि जो बॉम्बिक्स मोरी है वहां से जो सिल्क मिलता है उसको मलबेरी सिल्क बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देना है आपको। ओके, सो ये सिंपली हो गया आपका चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री, इसको हमने पूरी तरह डिस्कस कर दिया है, इसको आपको वंस अगेन एकदम रफली गो थ्रू करना है, नोट्स पढ़ने हैं,
ओके अगर आपके पास और कुछ स्टडी मटेरियल होगा किसी और पार्ट का तो उसमें अगर इसकी कुछ एमसीक्यूज है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इसको पूरा तरह पढ़ लिया है, एक बार वीडियो लेक्चर्स देख लो, एक बार आपका चैप्टर रिवाइज कर लो। अगले लेक्चर में कल जब हम मिलेंगे तो अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग सर्कुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट।